इस वीडियो में जो हम केस डिस्कस करेंगे उसका नाम है आरएस रुईकर वर्सेस एम्पेरर। दोस्तों ये केस बेस्ड है ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 17 पर। आइए पहले सेक्शन 17 देख लेते हैं। सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट ये कहता है कि ट्रेड यूनियन का कोई भी मेंबर या ऑफिस बेयरर लायबल नहीं होगा आईपीसी के सेक्शन 120B सबसेक्शन 2 के अंडर अगर ट्रेड यूनियन ने जो एग्रीमेंट किया हो वो सेक्शन 15 में मेंशनड ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग किया हो। मींस सेक्शन 15 में जो चीज़ मेंशनड है अगर उसके विद इन आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है तो आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 17 इम्यूनिटी देता है ट्रेड यूनियन को क्रिमिनल लायबिलिटी से, लेकिन ये इम्यूनिटी सिर्फ तभी मिलेगी अगर ट्रेड यूनियन ने सेक्शन 15 के अंडर दिए हुए ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग काम किया हो। सेक्शन 15 में मेंशनड ऑब्जेक्ट्स के बाहर अगर कोई काम किया हो या एग्रीमेंट किया हो उसके रिगार्डिंग कोई इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। आप अगर पीसफुल स्ट्राइक करते हैं तो चलेगा, स्लोगन शाउटिंग करते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल असॉल्ट, मिसचीफ, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो आइए अब इस केस को डिस्कस करते हैं। इसमें आरएस रुईकर जो कि प्रेसिडेंट होता है नागपुर टेक्सटाइल यूनियन का, वो दोषी पाया जाता है अबेटमेंट टू मोलेस्टेशन का, जो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 7 ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्ट 1932 में। आरएस रुईकर ने पिकेटिंग के टाइम पर, धरने के टाइम पर एक पर्सन को उकसाया था दूसरे पर्सन को मोलेस्ट करने के लिए, लेकिन आरएस रुईकर कोर्ट में ये कंटेंशन रखता है कि ये जो मामला है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मामला है तो यहाँ पर सेक्शन 7 ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्ट अप्लाई ही नहीं हो रहा। और साथ ही वो ये कंटेंशन भी रखता है कि ट्रेड यूनियन इम्यून है क्रिमिनल लायबिलिटी से अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। देन कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है। ट्रेड यूनियन के पास राइट है स्ट्राइक करने का और वो सभी एक्ट करने का जो कि ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस में हो, लेकिन ट्रेड यूनियन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए इम्यून नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने पर उन्हें इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। तो कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 17 में दी हुई इम्यूनिटी नहीं प्रदान की और सेक्शन 7 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आरएस रुईकर को लायबल माना।